एक्ट्रेस रिचा चड्ढा कर रही हैं उनकी आने वाली फिल्म की तैयारी, जिसका नाम है सेक्शन 375। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा अपनी आने वाली फिल्म सेक्शन 375 में एक वकील की भूमिका में नजर आएंगी। इस किरदार को लेकर रिचा काफी मेहनत कर रही हैं। सेक्शन 375 में वकील की भूमिका निभाने के लिए रिचा चड्ढा ने लॉ कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स से मुलाकात की है। अभिनेत्री रिचा चड्ढा पहली बार किसी फिल्म में एक वकील की भूमिका में दिखेंगी। इससे पहले उन्होंने कानून की किताबें पढ़ी और न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियों को समझने के लिए वकीलों के कुछ लॉ फर्म्स का दौरा भी किया। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए रिचा चड्ढा ने एक और कदम उठाया है और उन्होंने मुंबई के लॉ कॉलेजेस के लॉ प्रोफेसर से मिलना शुरू किया है। फिल्म सेक्शन 375 वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से संबंधित है, जिसमें दिखाया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून के महत्वपूर्ण खंड का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है। रिचा चड्ढा ने बताया कि मैं ये देखना चाहती थी कि लोग मुकदमेबाजी में क्यों पड़ते हैं, इसलिए लॉ स्कूल जाना एक अच्छा विचार था और उनके साथ समय बिताने से मुझे बहुत मदद मिली। ये रिसर्च काम आएगी और इम्पोर्टेंट रहेगी इस रोल को निभाने में। रिचा चड्ढा की फिल्म सेक्शन 371 को अजय बहल डायरेक्ट कर रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में रिचा चड्ढा के अलावा अक्षय खन्ना मुख्य रोल में होंगे। ये भी बता दें कि रिचा चड्ढा ने फिल्म फुकरे और फुकरे रिटर्न्स में अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी।